कि हमारा यही है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में 10% रिजर्वेशन हमारी है, 103-124 अमेंडमेंट एक्ट बिल पास हुई, अगर SRO आया, अगर ऑर्डर आया दैट इज़ सिमिलरली एप्लीकेबल टू ऑल दी एडमिशन्स एंड रिक्रूटमेंट्स, NIT के लिए चाहे आप देखिए, एम्स जिपमर के लिए आप पंजाब में देखिए, बाकी स्टेट्स में देखिए, यहाँ के बाकी रिक्रूटमेंट बोर्ड्स देखिए, अगर वहाँ पे 10% ऑफ द टोटल सीट्स दी जाती है, हमारे यहाँ पे दिखाया भी जाता है JKBOP की तरफ से कि जो यहाँ पे ई ब्राउजर्स निकलते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी वहाँ पे 10% होता है, लेकिन सीट अलॉटमेंट के टाइम पे सिर्फ उसका 5% दिया जाता है। हम यही है कि अगर न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी MBBS एडमिशन में इस साल से जो है लॉन्च हुई, तो उसमें हमारा 10% रिजर्वेशन अगर है, RBA की तरह 10% है, उनका अगर 100 है, हमारा कैसे 85 है। हमें जस्टिस दिया जाए एंड जस्टिस को डेफर करने पे हम जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो JKBOP को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना होगा। नीट UG एस्पिरेंट हूँ, EWS कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ। हमारा बस इतना ही मुतालबा है कि अगर हमारी 10% रिजर्वेशन आती है तो हमारे पास जो BDS है, बाकी जो है, बाकी भी जितने भी कॉलेजेस है वहाँ पे बराबर 10% रिजर्वेशन दी जाती है। बट अगर हम देखेंगे नीट MBBS में जब बारी आती है मतलब एडमिशन वगैरह की, तो वहाँ पर हमारी फुल जो 10% रिजर्वेशन है वो नहीं दी जाती है, बट स्टिल 5% रिजर्वेशन दी जाती है, और जो रेस्ट ऑफ द 5% रिजर्वेशन है वो बाकी कैटेगरीज को दी जाती है, ये समझ करके ये भी EWS की सब कैटेगरी है। तो एट अ टाइम के उनको दो दो कैटेगरीज का फ़ायदा दिया जाता है। अगर RBA को 10% तो उनको अपना 10% दिया जाता है, हमें क्यों नहीं अपना 10% दिया जाता है? अगर EWS एक अलग से कैटेगरी है और उसकी अलग से 10% रिजर्वेशन है तो उसको अपना 10% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। एग्जैक्टली, तो हमारा मसला ये है, 2019 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 103 और 124 के अकॉर्डिंग सेंटर ने ये 10% EWS कोटा अप्रूव किया था पूरे इंडिया में। तो पूरे इंडिया में अप्रूव हुआ, हर कॉलेज, हर मेडिकल कॉलेज और जो भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे 10% जो सीट्स मिलती हैं वो स्पेसिफिकली 10% ऑफ टोटल सीट्स EWS को दी गई, ये EWS स्पेसिफिकली लॉन्च की गई। तो उसी के अकॉर्डिंग 2019 में ये यहाँ पे जो NMC की तरफ से इनटेक इंक्रीज़ हुआ था ये सीट्स का, वो स्पेसिफिकली EWS सीट्स का हुआ था, मतलब EWS कैटेगरी यहाँ पे लॉन्च करने के लिए वो सीट्स यहाँ पे एक्स्ट्रा मिली थी, और इसीलिए ये इंक्रीज़ हुआ था ताकि बाकी कैटेगरीज़ को टेंपर ना हो, मतलब उनसे वो अगर कोई नई कैटेगरी लॉन्च करनी होती है तो उस वो तो कई दूसरी कैटेगरी से सीट्स निकालनी पड़ती है, फिर नई कैटेगरीज को देनी पड़ती है, लेकिन वो ना हो, मतलब दूसरी कैटेगरी को इसका नुकसान ना हो, इसलिए सेंटर ने एक्स्ट्रा सीट्स अप्रूव की। NMC की तरफ से अप्रूवल मिला था यहाँ को JKBOP को 100 सीट्स का, लेकिन फिर अगर आगे आप देखें फिर ये JKBOP ने वायलेट किया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 103 और 124 को, और SRO जो यहाँ पे SRO 518 है उसको भी इन्होंने वायलेट करके जो EWS का 5% कोटा है उन्होंने EWS को 5% ही दिया और बाकी 5% उन्होंने बाकी कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया, जो कि अगेंस्ट जो वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स को, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, इनके अपने ही SRO को वायलेट करता है, इनके अपने ही रूल्स को वायलेट करता है, इनकी कोई स्पेसिफिक कैलकुलेशन वहाँ पर दिखी ही नहीं। तो दो साल से हम यही मतलब इनसे मांग रहे हैं कि हमें इसका रीज़न आप बताओ कि अगर आप वायलेट करते हो इस कॉन्स्टिट्यूशन को, आपने क्यों मतलब ये हमें इससे हमारी राइट्स हमसे क्यों छीने हैं दो साल से, वो आप बाकी कैटेगरीज को देते हैं। हमने अप्रोच किया है ये JKBOP को, उनसे रीज़न पूछा, हमने कोर्ट को अप्रोच किया, ये कोर्ट में भी नहीं अपना रीज़न पेश कर पाए, दो साल से हम इसी में लगे, हमारे दो साल ड्रॉप हुए इसी के पीछे, तो हमारा इतना नुकसान हुआ। हम तो अब इस साल अभी हमें उम्मीद थी कि हमें अपना ये सीट में चेंज करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर जो एक्स चेयरमैन साहब थे उनने बोला था कि अगले साल, दो साल से बोल रहे हैं कि अगले साल से देंगे, लेकिन वो अगला साल तो अभी आ ही नहीं रहा। हम यही चाहते हैं कि अगर इस साल इन्होंने अभी इस साल भी हमें इससे महरूम रखा तो फिर हमारी इमोशंस को आप खुद ही कंसिडर कीजिए, हम तीन साल से ड्रॉप हो रहे हैं इनकी एक मिसकैलकुलेशन की वजह से। मतलब ये एक तो कॉन्स्टिट्यूशन को ही ये वायलेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई पूछने वाला ही नहीं है, आप देख लीजिए खुद, अगर हम इनसे रीज़न पूछते ये वहाँ से हमें SO वहाँ पे निकाल बोल के हमें वहाँ से भगा देते हैं। इसलिए हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, हमें इस बार जो हमारा 10% है हमारा हक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें प्रोवाइड कर रहा है, अगर जम्मू कश्मीर के बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन आप इंडिया प्रोवाइड कर रहा है, 10% हमें दे रहा है, फिर आप क्यों उसको वायलेट करके हमसे क्यों हमारा हक छीन रहे हो? हमारा मुतालबा यही है कि हमें अपना हक वापस चाहिए। कौन से